You're like a circle that floats around me, keeping me. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्राइड। तो अपनी वर्क में जब डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, तो पिछली वीडियो में हमने क्या बात करी थी, हमने वर्कशीट्स के बारे में बात करी थी, फिर हमने यूनिक वर्क के बारे में बात करी थी, और आज की वीडियो में हम वैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने यहाँ पे देख लेते हैं, आज हम देखेंगे ऑब्जर्विंग वर्क के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको कंटिन्यू करना काफी आसान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जो आज की वीडियो का है, वो है ऑब्जर्विंग योर वर्क, अपने वर्क को ऑब्जर्व कैसे करना। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। तो ये कहता है कि एट एनी पॉइंट आफ्टर एनक्यूइंग वर्क यू कैन चेक स्टेटस बाय क्वेरिंग वर्क मैनेजर। तो एनक्यू करने के बाद, एनक्यू करने से पहले नहीं, एनक्यू करने के बाद किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने वर्क का जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए या तो आप नेम के जरिए करिए उसके, या फिर उसकी आईडी, या फिर टैग, इनमें से किसी भी जरिए आप उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अपने वर्क को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी नेम, आईडी, टैग कौन कौन से है। नेम आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात करी थी, यूनिक नेम जो हम यूनिक वर्क को देते हैं, तो ये उसी नेम की बात कर रहे हैं कि उस नेम के जरिए आप इसे क्वेरी कर सकते हैं। आईडी क्या चीज है, तो आईडी बेसिकली आपने इसको आईडी नहीं, वर्क मैनेजर हर वर्क रिक्वेस्ट को खुद से एक आईडी सेंड करता है, तो ये वर्क ओवर आईडी है। तो हर वर्क रिक्वेस्ट, जितने भी वर्क रिक्वेस्ट है ना, हर किसी की यूनिक आईडी होती है। ठीक है, तो आप उसके जरिए कर सकते हैं, या फिर आप टैग के जरिए कर सकते हैं। टैग के बारे में पिछले पहले दो वीडियो पहले बात कर चुके हैं, तो टैग के जरिए आप अपने वर्क को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन तीनों से करने के लिए तीन मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड जो है वर्क मैनेजर डॉट गेट वर्क इन्फो बाय आईडी, या फिर वर्क इन्फो फॉर यूनिक वर्क, या फिर वर्क इन्फो बाय टैग। ठीक है, तो तीन मेथड आपके पास जिसके जरिए आप अपने वर्क को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेरी रिटर्न्स ए लिसनेबल फ्यूचर ऑफ ए वर्क इन्फो गेट। जो क्वेरी है, ये तीनों क्वेरी आपने लिखी है, ये आपको एक वर्क इन्फो का लिसनेबल फ्यूचर ऑफ वर्क इन्फो देंगे। ठीक है, विच इंक्लूड द आइडिया ऑफ द वर्क, उसके अंदर क्या क्या होगा, डेटा जो आपको वर्क इन्फो आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके अंदर स्टोर क्या क्या है, क्या क्या पता चल सकता है वर्क के बारे में। तो उससे आपको वर्क की आईडी पता चल सकती है, उसके टैग पता चल सकते हैं, उसका करंट स्टेट क्या है, वो किस स्टेट में है, या फिर कोई आउटपुट डेटा। अगर आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे डॉट डेटा आउटपुट कराया है, यहाँ पे जो आप वर्कर क्लास थी, मैं आपको बता देता हूँ डेटा आउटपुट कैसे कराते हैं, तो उससे आपको आईडी लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद होगा आपने रिजल्ट और सक्सेस रिटर्न किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा भी अपना आउटपुट करा सकते हैं। कैसे, तो डेटा आउटपुट, डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डेटा आउटपुट करना है, इक्वल्स टू न्यू डेटा डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। ठीक है, तो मैंने डेटा ऑब्जेक्ट बना दिया। अब सपोज मैं इसमें एक स्ट्रिंग डालता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें, मैं डाल देता हूँ लेक इंट डाल देते हैं। ठीक है, कि मैं क्या डाल रहा हूँ कि वैल्यू की है ये मेरी, कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई, तो ये मेरी की है और इसकी वैल्यू क्या है, मैं सपोज 100 दे देता हूँ या फिर 99 देते हैं, 99 को जा रहा है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर अपनी की पुट कर दी, अपने डाटा स्टोर कर दिया। अब क्या करना है, आपको इस आउटपुट डेटा को इस रिजल्ट और सक्सेस मेथड को पास कर देना है, आउटपुट डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, जैसे आपका रिजल्ट और सक्सेस रिटर्न होगा उसके साथ ही आपका आउटपुट डेटा भी चल जाएगा। अब इसको रिजल्ट डॉट सक्सेस के साथ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो रिजल्ट डॉट फेलियर के साथ कर सकते हैं, पर रिजल्ट डॉट रिटर्न के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, रिटर्न के साथ आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सक्सेस या फेलियर के साथ आप ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डेटा जो है आउटपुट कराते हैं। अब आप ये क्या कह रहे हैं कि आप जब इसको ऑब्जर्व करेंगे, आप अपने वर्क इन्फो का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, तो उसके उसमें आपको आपका डेटा भी मिल सकता है अगर आपने रिटर्न कराया है। तो क्या क्या मिल रहा है हमें, उसकी आईडी, उसके टैग, उसके करंट स्टेट और उसके आउटपुट डेटा। ठीक है, तो ये चार चीजें जो हमें अपने वर्क इन्फो के ऑब्जेक्ट से मिल रही है। इन लाइव डेटा वेरिएंट ऑफ ईच ऑफ द मेथड अलाउ यू टू ऑब्जर्व चेंजेस टू द वर्क इन्फो बाय रजिस्टरिंग ए लिसनर। अब ये जो थे, ये वर्क इन्फो के ऑब्जेक्ट थे, तो इनका आप एक लाइव डेटा वेरिएंट बना सकते हैं, एक वेरिएंट जो कि लाइव डेटा हो, जिससे जरिए आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं वर्क इन्फो को, एक लिसनर को रजिस्टर करके। इसका मतलब क्या है, इसको सरल भाषा में समझते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे सपोज वर्क इन्फो का ऑब्जेक्ट यहाँ से आपको मिल गया, इससे तो आपने वर्क इन्फो से डेटा डिस्प्ले करा दिया, पर आप चाहते हैं कि हर बार जब भी डेटा चेंज हो तो मुझे पता चल जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक लाइव डेटा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक लिसनर रजिस्टर कराएंगे। तो लिसनर क्या होगा कि जब भी डेटा चेंज होगा, तीन बार हो, चार बार हो, एक बार भी ना हो, जब भी डेटा चेंज होगा ना, वो तभी आपको बताएगा। ठीक है, और उस फेयर डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल समझते हैं। तो सपोज आपको एक मैसेज, यूजर को अपने एक मैसेज दिखाना है जब आपका वर्क सक्सेसफुली फिनिश हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब आपको पता कि कब वर्क फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको एक लिसनर रजिस्टर कराएंगे। और लिसनर क्या करेंगे, जैसे ही आपकी वर्क स्टेट चेंज होगी वो आपको बता देगा, तो आप चेक कर लेंगे कि अगर वर्क स्टेट में सक्सेस है तो अपने यूजर मैसेज दिखा दीजिएगा। तो कैसे किया इसने, तो वर्क मैनेजर टू गेट वर्क इन्फो आईडी बाय लाइव डेटा, उसके अंदर उसने आईडी पास करी, उसको ऑब्जर्व किया और फिर उसने स्टेट चेक करी कि वो सक्सेस है, अगर सक्सेस है तो उसने उसको मैसेज दिखा दिया। इसको आप खुद से हम करके देखते हैं। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं और खोलते अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट जो हम कई वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते डॉट जावा फाइल में। तो जो पहला चीज है, पहली चीज कौन सी है कि लाइव डेटा नहीं, सिंपल आप अपना वर्क इन्फो का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो उसके तीन मेथड हमारे पास, सपोज हम आईडी वाला यूज करते हैं तो क्या करेंगे, वर्क मैनेजर, यहाँ पर मैनेजर का ऑब्जेक्ट है वर्क मैनेजर वाला, इसको यूज करेंगे। तो मैनेजर डॉट गेट वर्क इन्फो बाय आईडी, और आईडी कैसे पास करनी है, जो आपकी वर्क रिक्वेस्ट है ना, तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट आईडी, तो इसे आपको आईडी मिल गई और ये आपने इसको पास कर दी। तो इसने आपको रिटर्न क्या किया, इसने आपको रिटर्न किया लिसनेबल फ्यूचर ऑफ वर्क इन्फो, तो ये इसने आपको रिटर्न किया। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, माय डिटेल्स, या फिर कह सकते हैं माय इन्फो कह देते हैं, माय इन्फो साहब बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो आपको माय इन्फो का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसके जरिए आप अपनी जो डिटेल्स हो निकाल सकते हैं, कैसे, उसको मैं काम करता हूं, लोग स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूं, लोग डॉट आई डिटेल्स, टैग देते हैं डिटेल्स, और वैल्यू कैसे लेनी हमें, तो क्या करेंगे, माय इन्फो
डॉट गेट, तो इस आपको वर्क इन प्रोजेक्ट मिल गया डॉट। अब देखते हैं यहाँ पे आपके सारी चीज आ जाएगी, गेट आउटपुट डेटा, गेट प्रोग्रेस, गेट डन अटेम्प्ट काउंट, गेट स्टेट, तो ये सारी चीज आपके पास ठीक है। तो प्रोग्रेस कैसे देनी है वो आपको खुद देनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और फिलहाल काम करते हैं, गेट आईडी करते हैं प्लस, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहे, देखते हैं क्या एरर दिखा रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। सराउंडेड ट्रैक कैसे हमें करना पड़ेगा तो ये भी बंद करते हैं। अभी क्या करेंगे, हमने टैग ले लिया माई इन्फो डॉट गेट डॉट गेट, फिर टैग लेने के बाद हम इसकी स्टेट ले सकते हैं कि किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर और क्या ले सकते हैं आप इसका, माई इन्फो डॉट गेट डॉट, या फिर काम करते हैं ना ये माई इन्फो डॉट गेट हम बार बार क्यों कर रहे हैं, हम सीधा ही काम करते हैं, हम यहाँ पे वर्क इन्फो का प्रोजेक्ट बनाते हैं इन्फो, और इसको क्या करेंगे माई इन्फो। तो ऑप्टिमाइज कैसे करना, अपने वर्क कोड को साफ कैसे करना, आपको समझ समझना होगा। तो माई इन्फो डॉट गेट, और इसको हम ट्राई कैसे साउंड कर देते हैं ठीक है। तो ट्राई कैसे साउंड हो गया, अब यहाँ पे सपोज इसको भी हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे इसको सीधा कर देते हैं एक्सेप्शन नहीं, कोई भी एक्सेप्शन हो सीधा प्रिंट करा देना। तो हमने इसको हैंडल कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसको लॉक स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं और इसको इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम रखेंगे ठीक है। और अब आपको हर बार माई इन्फो डॉट गेट करना पड़ेगा, अब सीधा क्या करेंगे इन्फो डॉट गेट आईडी, फिर क्या करेंगे इन्फो डॉट गेट स्टेट, तो आपको स्टेट मिल गई। फिर आप क्या कर सकते हैं और भी देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, साइबर प्रिंट करेंगे पता चल जाएगा इन्फो डॉट गेट। तो हमने स्टेट देख ली, हमने आईडी देख ली, टैक्स टैक्स मिल देंगे हमें सारे, प्लस प्लस इन्फो डॉट गेट, हमें स्टेट टैक्स आईडी आउटपुट डेटा हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब आउटपुट डेटा जो है ना वो आपको डेटा का ऑब्जेक्ट दे रहा है ठीक है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा गेट इंट ठीक है। और हमारी की क्या थी, यहाँ पे आपको याद होगी की थी हमारी वैल्यू ऑफ आई, तो इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं वैल्यू ऑफ आई, और यहाँ पे इसको हम प्रिंट कराएंगे, ये हमने इसको की पास कर दी। और एक आपको डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी होगी, वो हम पास करते हैं माइनस वन ठीक है, मतलब अब तक हमारा जो आउटपुट डेटा वो कुछ नहीं आया ठीक है, तो हमें माइनस वन प्रिंट कराएगा ये। फिर क्या करेंगे आप डॉ इन्फो, इसको नेक्स्ट टाइम से लिख लेते हैं इन्फो डॉट गेट, आउटपुट डेटा देख रहे स्टेट आईडी टैग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हम देख सकते हैं, पर फिलहाल अभी हमने प्रोग्रेस कुछ इनपुट नहीं कराई तो कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा, वो देखने के बाद हम कैसे करना है वो कर लेंगे। गेट रन अटेम्प्ट काउंट, मतलब कितनी बार आपकी जो स्क्वायर रन किया गया, तो ये सारी डिटेल थी जो हमने प्रिंट करा ली। अभी काम करते हैं, बैक स्लैश रन कर देते हैं किसी में, तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता रहेगा ये, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अब मिल चुकी है ठीक है, अल्ट कंट्रोल एल करेंगे और एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुकी है, तो आई की वैल्यू देते हैं, आई की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 12 दे देता हूँ ठीक है। अभी लोकेट भी खोल लेते हैं साथ, क्या था कि हम ऑब्जर्व कर पाए, इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर भी कर लेते हैं लोकेट को, ताकि अब जो फ्रेश रिजल्ट हमारे पास सारा प्रिंट होना चाहिए ठीक है। तो ये दोबारा से आ रहा है, बार बार याद रहेगा, कोई बात नहीं। तो अभी काम करते, क्लिक करते स्टार्ट पे, तो मैंने क्लिक किया स्टार्ट पे, तो वैसे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होने स्टार्ट हो चुकी है, वैल्यू 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20। तो ये तो सही है, ये तो हमारा वर्क मेजर काम कर रहा है। मेन चीज जो हमें देखनी है वो हमारी बेसिकली हमारा डेटा था जो हमने वर्क इन्फो आउटपुट कराई है, तो वो हमें देखना, तो हम डिटेल्स सर्च करते हैं, डिटेल्स कैसे उसने प्रिंट कराया उसको, डिटेल्स। तो डिटेल्स आपकी सारी आ चुकी है, समझ में नहीं आई होगी आपको, पसंद आते हैं कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो चीज थी वो थी हमारी आईडी, तो आईडी आप देखते हैं इसकी आईडी है जो इसने प्रिंट कराई है ठीक है। तो आईडी आपको समझ में नहीं आई क्योंकि खुद से साइन कर दिया है, तो रीडेबल नहीं है, इसका आप मतलब नहीं निकाल सकते ठीक है, यूनिक होती है, लेकिन हर वर्क रिक्वेस्ट की एक यूनिक आईडी होती है जो वर्क मैनेजर खुद से असाइन करता है। फिर बात आती है स्टेट की, तो जिस टाइम ये मेथड कॉल हुआ उस टाइम हमारा जो वर्क था वो एनक्यूड स्टेट में था, हालांकि बाद में वो रनिंग स्टेट में चला गया, पर जिस टाइम मेथड कॉल हुआ उस टाइम वो एनक्यूड स्टेट में था, तो उसने एनक्यूड प्रिंट कराया। फिर बात आती है टैग्स की, तो टैग आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने तीन टैग दिखाए, वर्क वन, फिर दूसरा ये कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट अंडरस्टैंडिंग वर्क मेथड डॉट प्रिंट डेटा, और तीसरा प्रिंट वर्क। अब आपको पता होगा प्रिंट वर्क और ये जो वर्क वन है ये वो टैग है जो हमने इसको खुद से असाइन किया था, देख सकते हैं यहाँ पे एड टैग और एड टैग, हमने दो टैग ऐड कर रखे हैं पिछले वीडियो में किए थे, तो ये दो टैग है जो हमें खुद से इसको असाइन किए थे ठीक है। तो ये दोनों टैग से दिखा दिए, और ये टैग जो इसको ये हर बार खुद से ये एक टैग खुद असाइन करता है, तो ये वाला टैग जो है वो टैग है ठीक है। तो ये टैग्स हो गए, उसका हमने प्रिंट कराया, हमें कराया आउटपुट डेटा। अब क्योंकि अब तक वो एनक्यूड स्टेट में, तो आउटपुट डेटा हमारा कुछ होगा नहीं, तो वो आउटपुट डेटा क्या दिखा रहा है, माइनस वन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम डिफॉल्ट वैल्यू जो की थी वो माइनस वन की थी ठीक है। और उसका जो लास्ट चीज है वो रन अटेम्प्ट काउंट है, तो रन अटेम्प्ट काउंट अब तक जीरो है क्योंकि वो अभी तक एनक्यूड स्टेट में है ठीक है। तो ये था कि कैसे आप अपने वर्क इन्फो को प्रिंट करा सकते हैं। पर अब आप चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारा हर बार डेटा चेंज हो, हर बार मेरा डेटा प्रिंट कराए, जैसे अभी एनक्यूड में है, तो आप चाहते हैं कि जैसे ही रनिंग स्टेट में जाए ना, तो मेरा डेटा दोबारा प्रिंट हो, जैसे रन काउंट बढ़े, मतलब कुछ भी चेंज हो, तो मेरा जो
डेटा हो तो बार प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लाइव डेटा का, हम यूज करेंगे ऑब्जर्वर का, हम उससे एक लिसनर अटैच कर देंगे, जो लिसनर का काम क्या है, वो किसी को लिसन करेगा, किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा, तो चेंजेस को ऑब्जर्व करेगा कि जैसे ही कोई भी चेंज आएगा उसमें, किसी वैल्यू में चेंज आता है, वर्क इन्फो के किसी भी चीज में चेंज आएगा ना, वो आपको बता दे भाई चेंज आ गया, अब आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करना है, वो हम करेंगे लाइव डेटा की मदद से। तो इसके लिए ऐसे मेथड दिया, देखते हैं वो भी, ये क्या हो गया, इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो देखा आपने, तो ये तीनों तो वो मेथड है जिनसे आपको सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा वर्क इन्फो का, लेकिन ये है ऑब्जर्वर, इसमें आप क्या करें कि ऑब्जर्वर अटैच कर रहे हैं जो आपको टाइम टाइम बताता रहेगा जब भी आप कोई चेंजेस आते हैं। तो ये कैसे करना है इसको देखते हैं, ठीक है। तो खोलते अपने एंड्रॉइड स्टूडियो दोबारा से। तो ये तो मैं सिंपल ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ये काम करते हैं, इसको मिनिमाइज तो नहीं कर सकते, छोड़ो फिलहाल के लिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, मिनिमाइज कर देते हैं बेसिकली। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कोड करने वाले दूसरे वाला मेथड, कौन से वाला, जो हमारा ये वाला है लाइव डेटा वाला, गेट वर्क इन्फो आई डी बाई लाइव डेटा। तो इसको भी कॉल करते हैं वर्क मैनेजर, इसमें भी तीन मेथड है हर किसी के लिए, आईडी के लिए, टैग के लिए और नेम के लिए, इसको भी कॉल कर सकते हैं गेट वर्क इन्फो आई डी लाइव डेटा, ठीक है। हमें ये मेथड कॉल करना है, देखते हैं कहाँ पे। तो गेट वर्क इन्फो आई डी लाइव डेटा, आपको ये जो मेथड है ये आपको मिल गया। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या पास करना है, अपनी आईडी पास करनी है। तो हमारी आईडी क्या है, रिक्वेस्ट डॉट गेट आईडी, अब आप क्या करेंगे डॉट, ठीक है, ऑब्जर्व, अब आप क्या करेंगे इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिस पास करना है, आपकी लाइफ साइकिल का ओनर क्या है दिस, और फिर आपको पास करना ऑब्जर्वर, तो न्यू ऑब्जर्वर। तो आपने देखा इसने आपको क्या रिटर्न किया, एक वर्क इन्फो का ऑब्जेक्ट। अब ये वर्क इन्फो का ऑब्जेक्ट ना, ये हर बार आपको ये मेथड जो है ऑन चेंज आया, देख सकते हैं इस मेथड का नाम है ऑन चेंज। जब भी कोई चेंज होगा ना, जब भी आपके मेथड कॉल होगा और आपको वर्क इन्फो का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम जो लॉग मैसेज यहाँ प्रिंट कराया था, सेम लॉग मैसेज को हम यहाँ पे नीचे भी प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पेज को हम पेस्ट कर देंगे, और क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम इन्फो है तो इसको भी हम इन्फो कर देते हैं, ताकि हमें दोबारा से चेंज ना करना पड़े। तो सेम ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे अब कर दिया। अब लाइव डेटा का जाना आपको मदद, क्या फायदा क्या लाइव डेटा का, कि जब भी कोई चेंज होगा जब भी आपको ये नोटिफाई कर देगा, ठीक है। और आप चाहे तो इसको हटा सकते हो, या इसके हमें कोई जरूरत नहीं है, आप इसे कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम सीधा लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा से इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन तो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, आपको वैल्यू डालते हैं आई की। सपोज मैंने आई की डाल दी 23, क्लिक किया मैंने स्टार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेटा आया, एक काम करते हैं इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं एप्लीकेशन जल्दी से, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या आया, सबसे पहले डेटा का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसने प्रिंट करा डिटेल्स, आईडी थी हमारी, फिर हमारा एनक्यूड में था, फिर टैग्स थे, फिर हमारा आउटपुट था जो -1 था क्योंकि एनक्यूड सेट में, और फिर रन काउंट आया 0। अब जैसे ही एनक्यूड से रनिंग सेट में आया तो इसने खुद से प्रिंट करा दिया दोबारा से, क्योंकि हमने उसको ऑन लाइव डेटा से ऑब्जर्व कर रखा है, तो जब भी चेंज होंगे वो ऑब्जर्व करेगा। तो अब एनक्यूड से वो रनिंग में आ गया, फिर दोबारा से टैग प्रिंट कराए, आउटपुट अभी भी -1 है और जो हमारा रन काउंट है वो 1 हो गया। अब आपने देखा मैंने एप्लीकेशन क्लोज कर दी थी तो हट गया, क्योंकि अब वो दोबारा से वर्क, आपको पता है ना वर्क मैनेजर की खासियत क्या है, कि वो दोबारा से कोशिश करेगा अपने वर्क को रन करने की, तो वो दोबारा से रन करने की कोशिश कर रहा है। ऐप इंस्पेक्शन भी खोल के देख सकते हैं आप इसको ऑब्जर्व करने के लिए, ऐप इंस्पेक्शन खोल लेते हैं, फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखते हैं अब तक उन्हें रन करना स्टार्ट कर दिया होगा शायद, या फिर ना भी क्या हो, क्योंकि अब तक यहाँ पर दिखा रहा है। हाँ, तो ये देख सकते हैं, इसको खोलने का वेट करते हैं थोड़ा सा। तो ये खुल जाएगा आपका बैकग्राउंड ट्रांसफर इंस्पेक्टर, इसमें आप देख सकते हैं दोबारा से निर्धारण करना स्टार्ट कर दिया हमारे वर्क मैनेजर ने, जो कि उसकी खासियत है कि वो हमारे वर्क को कंप्लीट करेगा, और इस बार सक्सीड हो चुका है, देख सकते हैं आप ये। और अब चलते हैं दोबारा से लोकेट में, तो यहां देखते हैं कुछ प्रिंट कराया क्या डिटेल्स। तो अब इसने कुछ प्रिंट नहीं कराया, तो अब आप सोच रहे होंगे अब इसने कुछ प्रिंट क्यों नहीं कराया बेसिकली। तो एक दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत भी क्या है, क्योंकि ना जो वर्क मैनेजर काम कर रहा है वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, जबकि ये जो मेथड है ये आपकी एक्टिविटी से अटैच है, और आपको पता है कि आपकी ऐप ओपन नहीं है, ठीक है। ऐप अभी क्लोज कर दिया आपने, वर्क मैनेजर तो बैकग्राउंड में काम कर सकता है ना, पर ये जो काम है ये वाला काम ये तो आपकी एक्टिविटी से होगा, तो इसलिए इसने प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक्टिविटी ओपन होती, आपकी एप्लीकेशन जो है ओपन होती, तो ये पक्का से प्रिंट कराता सारी डिटेल्स आपकी। जैसे आपने देखा पहले दोबारा से प्रिंट कराया भी था कि सक्सीड वाला जो था, मतलब रनिंग वाला स्टेटस था, वैसे प्रिंट कराया भी था, आपको याद होगा। दोबारा से एप्लीकेशन खोल लेते हैं, इस बार दोबारा से दिखाता हूँ आपको, अभी देख सकते हैं डिटेल्स में हमारा कुछ है नहीं। अब दोबारा से इसको हम एक बार रन करते हैं, इसकी स्टेट देखें कैसे होती है, 10 से स्टार्ट करते हैं। तो वही सबसे पहले आया एनक्यूड वाला स्टेटस, आउटपुट -1 है और रनिंग काउंट 0 है, फिर आया दोबारा रनिंग स्टेटस में, वो आउटपुट क्या अभी भी -1 है और रन काउंट क्या 1 है, ठीक है। अभी वेट करते हैं उसके कंप्लीट होने की, लॉकेट खोल लेते हैं, देखते हैं कहां तक वैल्यू प्रिंट कर दिया, तो 51 तक प्रिंट कर दिया, 53 54, वेट करते हैं 99 तक जाने का, 99 के बाद वो एक मैसेज और प्रिंट कराएगा हमें, क्योंकि हमारी जब स्टेट है वो रनिंग से कहां चल जाएगी, सक्सेस में चल जाएगी, ठीक है। तो उसका भी हम वेट करते हैं डिटेल्स देखते हैं, अभी 78 तक आया, 94 96 97 90 99, ठीक है। और ये देखिए जैसे 99 आया, एक दोबारा से आपके पास मैसेज आया, स्टेट चेंज होगी सक्सीड में, आउटपुट आपका 99 हो गया जो कि मैंने आउटपुट कराया था, और रन काउंट अभी भी 1 है क्योंकि उसने एक बार रन में कंप्लीट कर दिया सारे काम, ठीक है।
देख सकते हैं, डिटेल सर्च कर लेते हैं डिटेल्स। तो तीन बार आपने टोटल आउटपुट मिला आपको, इनक्यूड था जब स्टेट, फिर रन नहीं थी और फिर सक्सीड था, ठीक है। आउटपुट पहले माइनस वन था, जैसे सक्सीड हुआ आउटपुट 99 हो गया, रन काउंट पहले जीरो था फिर बाद में वन हो गया क्योंकि एक बार उसने रन कराया। तो ये एक फायदा है लाइब्रेरी टैग आपको, कैसे आप अपने टास्क को अपने वर्क को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जैसे ही उसको स्टेट चेंज होता है, पता चल जाता है। और सबसे ज्यादा फायदा पता है अपनी प्रोग्रेस दिखाने में, सपोज आपका वर्क बैकग्राउंड चल रहा है, आपका वर्क चल रहा है और आप उसको प्रोग्रेस दिखाएं अपने यूजर को, तो कैसे दिखाएंगे, तो आप अपनी प्रोग्रेस सेट कर देंगे और फिर उसमें लाइब्रेरी टैग ऑब्जर्वर लगा देंगे, तो जैसे जैसे प्रोग्रेस चेंज होगी वो आपको दिखाता रहेगा। फिर आप उसको कैसे भी दिखाए, आपको प्रोग्रेस बार के जरिए दिखाए, मैसेज के जरिए दिखाए, वो आपकी मर्जी है, पर आपको जो इन्फो है वो मिलती रहेगी सारी, ठीक है। तो ये तो था कि कैसे अपने वर्क को आपको ऑब्जर्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और काफी समझने लाइक भी था। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है क्योंकि काफी समझने में छोटा टाइम लगा, डाइजेस्ट करिए अच्छी तरह समझिए इसको। इस दूसरे वाले मेथड जो है ये वाले मेथड, इनको भी अप्लाई करके देखिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी आईडी से बताया, इन मेथड को आप खुद से अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।